अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप दोस्त सैयद जैद तारिक और आज देखा है कराची मार्केट इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, इस हम लोग जो मौजूद हैं ऑटो टैग पर और ऑटो टैग के नाम के साथ पहले भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कार स्कैनिंग के बारे में हमारे साथ की वीडियो है, तो अभी हमारे साथ ऑटो एंड टैग के ऑनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर जो है गाड़ी में चेक लाइट आ रही है सही और गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से स्कैनर लगा के गाड़ी का फॉल्ट डायग्नोस किया जाता है सही। और ये आता है कि कैसे चेक लाइट आ रही है गाड़ी में, चेक लाइट आ रही है, गाड़ी कैसे मिसिंग कर रही है। मैं आपको जो है प्रॉपर स्कैनर लगाऊंगा, उसका फॉल्ट डायग्नोस करके बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर ये जो है कोड आ रहा है, और उसके बाद मैं उस चीज़ को जो है ना आगे रिजॉल्व करूंगा। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर कौन सी गाड़ी में अभी आप मतलब दिखाएंगे। ये मैं आपको 2012 टोयोटा करोला है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में क्या इशू आ रहा है और हमारा स्कैनर किस तरीके से उस स्पॉट तक जो है हमें लेके जाए। चले सही है तला भाई, चलते हैं गाड़ी की तरफ। सबसे पहले मेरे पास ये कपलर है और ये टैबलेट है। ये कपलर मैं जो है गाड़ी में जो है इंसर्ट करूँगा, और ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इंसर्ट कर दिया और ये लाइट भी इसमें जल गई सही। अब मैं जो है गाड़ी का इग्निशन ऑन करूँगा, और पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि ये गाड़ी इशू क्या कर रही है। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है ये यहाँ चेक लाइट ब्लिंक कर रही है। हालांकि जब ये गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो ये चेक लाइट ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स इस गाड़ी के अंदर कोई इशू आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है बबलिंग कर रही है। ये आप इसका साउंड सुने तो आपको महसूस होगा कि ये जो है अपने सही मोशन में नहीं है। अब मैं आपको जो है वो इंजन रूम की तरफ लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे बबलिंग जो है गाड़ी में। मुझे जो है मैं अंदर से रेस दूंगा और आप जो है गाड़ी की जो है देखिएगा कि वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा आ रही है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। गाड़ी है एक्सीलेटर का पता है, अब ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी में जो है ना सही तरीके से एक जो साउंड होना चाहिए आइडलिंग पे और रेस पे, वो चीज़ नहीं है गाड़ी के अंदर। बहुत ज़्यादा देखें, जैसे ही वो रेस देंगे ये वाइब्रेशन है। इट मीन्स इसके अंदर कोई करंट का इशू है, या जो है थ्रॉटल का इशू है, या जो है कोई सेंसर का इशू है, जिसकी वजह से जो है वो अंदर चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो आए मैं अब आपको जो है वो दिखाऊँगा कि जो है इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। गाड़ी में बैठे हैं और जैसे कि आपने जो है देख लिया था कि जो है वो गाड़ी में बबलिंग आ रही है और ये चेक लाइट भी आ रही है। ये मैं रेस दे रहा हूँ तो गाड़ी में चेक लाइट है, और जो है साथ साथ जो है सही तरीके से जो है ना स्टेबल नहीं है गाड़ी। तो अब ये मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ये मेरे पास स्कैनर है। स्कैनर में मैं जो है टोयोटा जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसमें टोयोटा की गाड़ी है तो मैं ये टोयोटा में जाऊंगा। पहले टोयोटा में जाने के बाद जो है इसको पहले मैं सर्च करूंगा अच्छे तरीके से ना, ताकि ये इससे जो है कनेक्ट हो जाए। अब ये गाड़ी जो है इससे कनेक्ट हो रही है स्टैंड।
ये गाड़ी जो है इंजन में जैसे आप ये देखें, जैसे तीन इसमें जो है ऑप्शन होते हैं, एक बॉडी का, एक चेचेसा का, एक पावर ट्रेन। पावर ट्रेन मतलब इंजन। बॉडी के अंदर हम जाएंगे तो ये हमारे SRS एयरबैग आ जाएगा, एयर कंडीशन आ जाएगा और जो है इमोलाइज़र आ जाएगा। अब जैसे हम चेचेस में जाते हैं तो ABS सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ABS के उसमें हम चले जाएंगे। ये चीज़ें चेचेस में आती हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि जो है हमें इशू लग रहा है कि जो है हम इंजन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम इंजन में जो है जाएंगे और ये इंजन जो है वो सर्च करेंगे, तो इससे हमें जो है अंदाज़ा होगा कि अब ये जैसे रीड फॉल्ट कोड आ गया, क्लियर आ गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब ये हमने जो है रीड फॉल्ट कोड कर दिया। अच्छा, जब हमने रीड फॉल्ट कोड किया तो ये हमारे पास इशू सामने आ गया। इशू क्या आ रहा है, इग्निशन कॉइल सी प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, ये गाड़ी के अंदर जो है कॉइल का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सही तरीके से जो है गाड़ी स्टेबल नहीं है, गाड़ी मिसिंग कर रही है। ये देखें जैसे ये मिसिंग कर रही है अभी ना, तो जो है अब हम ये जैसे ही देखें, अगर मैं फॉल्ट अभी अपनी जगह पे है, मैं इसको यहाँ से क्लियर करूँगा और यहाँ चेक लाइट चले जाएगी अगर कोई एरर होगा, तो ये देखें कि ये चेक लाइट गई और वापस आ गई। इट मींस के इसके अंदर कोड है और जो रिमूव नहीं हो रहा। अब दोबारा से देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लियर फॉल्ट कोड करूँगा ये लाइट जाएगी और वापस आ जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने जैसे ही यहाँ बटन दबाया और वहाँ पे लाइट बंद होगी और आ जाएगी। ये मैंने बटन दबाया, यस किया और वो लाइट चले गई, ये दोबारा आ गई। सही, वो क्यों आ गई, वो इसी वजह से आ गई कि गाड़ी के अंदर इशू आ रहा है। और अगर ये सिर्फ स्टोर हुआ होगा कोड तो फिर ये चले जाएगा और रिटर्न में नहीं आएगा। तो अब हमें इससे पता चल गया कि हमारा जो इशू आ रहा है वो इग्निशन कॉइल का इशू आ रहा है। अब क्या है कि हम डायरेक्ट जो है इग्निशन कॉइल पे चले जाएंगे, इसकी कॉइल चेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जैसे अगर कासाई मैकेनिक होते हैं वो चीज़ें भी खोल के रख देते हैं। हाँ, वही मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में उसके बताया भी तो पैसे ले लेते हैं, लेकिन मसला हाँ, सही बिल्कुल मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग क्या करते हैं कि जो है अब करंट का इशू है तो जो है साथ साथ क्रेंक सेंसर भी खोल देंगे, कॉइल भी खोल देंगे, प्लग भी खोल देंगे और वायरिंग भी खोल देंगे। अब देखें, जैसे हमने ये इसमें आपको दिखाया कि जो है स्कैनर लगाया, स्कैनर में क्या फॉल्ट आया, कॉइल का। अब हम डायरेक्ट जो है कॉइल जो है खोलेंगे और कॉइल चेंज करेंगे और हमारा मसला जो है ये हल हो जाएगा। सही, तो ये बेनिफिट है स्कैनर का। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम करते हैं वो सबसे पहले जो है गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं, पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर जो है ना गाड़ी में काम करते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, इसी गाड़ी के अंदर ये चेक लाइट आ रही थी और इग्निशन कॉइल का जो है कोड आ रहा था जब हमने सर्च किया था अपने स्कैनर में। तो अब ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है फॉल्ट डायग्नोस करके उसको रिमूव कर दिया है और अब हम जो है स्कैनर से इसको फॉल्ट को रिमूव करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट जो है वो दोबारा नहीं आएगा जब मैं यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। तो मैं दिखाऊँगा भी अभी आपको कि जो है किस तरीके से ये गाड़ी ओके हो गई है। अब ये आप देख सकते हैं, साउंड आ रहा था जिससे वाइब्रेट हो रही थी गाड़ी, वो भी नहीं हो रही। हाँ, वो जो अब ये देखें वो वाइब्रेशन जो थी वो भी ख़त्म हो गई है और एक स्मूथनेस में आ गई है बिल्कुल। गाड़ी बबलिंग टाइप का नहीं हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो बबलिंग टाइप का नहीं हो रहा, गाड़ी स्टेबल हो गई है बिल्कुल। तो अब मैं ये आपको दिखाऊंगा। स्कैनर लगा दिया आपने? हाँ, मैंने स्कैनर लगा दिया।
अब ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं चेक लाइट आ रही है, ये टोयोटा के इसमें मैं गया, ये मैंने जो है सर्चिंग की गाड़ी को। अब ये इससे ये रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर आसपास जो टोयोटा करोला की गाड़ियाँ होंगी वो नहीं 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 सिर्फ हमारी गाड़ी रीड करेगा, क्योंकि मैं ये कपलर लगा के इसके अंदर का जो कंप्यूटर है उससे जो है इसको जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। सही है, ये कनेक्ट हो रही है गाड़ी इस टैबलेट के साथ। सही है, और उसी से जो है वो फॉल्ट रिमूव हो रहा है। अब ये देखें, जैसे मैं ये इसके सारी चीज़ें जो है सारी कॉन्फ़िगरेशन डाल के मैंने ये इसको रीड कर लिया है गाड़ी के कंप्यूटर से। ये सिस्टम सिलेक्शन में गया, जैसे मैंने आपको बॉडी का जिसका पावर ट्रेन का बताया था, तो हमारा इंजन का इशू था, तो अब मैं पावर ट्रेन में जाऊंगा, ये इंजन में हम जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं रीड फॉल्ट कोड करूंगा, तो ये हमारा इग्निशन का वो आ रहा था। अब जैसे ही देखें, मैं पहले नहीं जा रहा था, जैसे ही मैं यहाँ बटन क्लियर कर दबा रहा था तो ये क्या हो रहा था, वापस आ जा रही थी, लेकिन अब मैं जब क्लियर फॉल्ट करूँगा तो ये गाड़ी की ये चेक लाइट, ऑरेंज लाइट, उस पर हाथ लगा के बता दिए, ये लाइट है, ये ऑरेंज कलर की लाइट है, ये लाइट है, ये क्या हो रहा था, मैं जब यहाँ पे क्लियर कर रहा था यहाँ पे जाती थी और दोबारा आ जाती थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्टोर था, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो लाइट जा नहीं रही थी। अब देखें, मैंने गाड़ी का काम करके जो इग्निशन कॉइल का इशू था वो मैंने रिजॉल्व कर दिया, और अब मैं जब ये करूँगा ना, ये देखें, ये तो ये चले जाएगी और वापस नहीं आएगी, ये मैंने क्लियर फॉल्ट कोड किया, यस किया और ये चले गई। अब देखिएगा, अब ये लाइट नहीं आएगी, देखें अब ये लाइट नहीं आएगी, और यहाँ पे ये रिमूव भी हो गया, ये फॉल्ट भी ख़त्म हो गया, और गाड़ी बिल्कुल अपने बेहतरीन जो है ना मोशन पे आ गई है। तो ये हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक जो है ना, हम कोई भी काम करते हैं बाय स्कैनिंग से करते हैं, प्रॉपर वे में काम करते हैं। सही है, तो ये आप देख सकते हैं। तो सलाम भाई, आप ये बताइए, अपने पहले वर्कशॉप का एड्रेस बता देना, तो कोई आना चाहते उसकी गाड़ी में की गाड़ी है जैसे इसमें है, तो अगर हमारे व्यूवर्स आना चाहते हैं उसको अपनी शॉप वर्कशॉप का एड्रेस बता दें। मेरा वर्कशॉप है आयशा मंगल पे, और अप्सरा अपार्टमेंट बहुत मशहूर है, वल गफूर अप्सरा अपार्टमेंट, तो अप्सरा अपार्टमेंट के नीचे मेरी शॉप है, शॉप नंबर A1 और A2, तो यहाँ पे मैं अवेलेबल होता हूँ सुबह 10 से रात 8 बजे तक। किसी को भी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है, इशू है, तो मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है जैद के पास है, आप बता दीजिए, एक नंबर कॉल कर दीजिए एक दफ़ा, मेरा नंबर है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि मेरा क्या नंबर है, मेरा नंबर है 03434290001, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भी है, जी बिल्कुल, ये व्हाट्सएप पे भी है और नॉर्मल कॉलिंग पे, किसी को कोई जो है वो बात करनी हो, कोई मशवरा लेना हो, तो इसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। तो चला भाई, अभी एक बात बताइए, जैसे अगर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता तो आप अगर वहाँ उनके घर पे आके आप ये कर सकते हैं काम? जी बिल्कुल, स्कैनिंग का बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इशू आ रहा है गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। सही, तो हो सकता है कि मैं फ़ोन पे ही उनको समझा दूँ कि आप इस तरीके से करना, और अगर नहीं होता उनसे तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं जो है आके भी जो है अपना स्कैनर लेके आऊँगा और वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है ये सारे मसले भी सॉल्व कर दूँगा, भले वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, छोटे काम में, अगर कोई बहुत लंबा काम होगा तो मुझे अपने वर्कशॉप गाड़ी लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं वहीं पे ही है, अगर कोई कॉइल का, सेंसर का कोई इशू होगा तो मैं वहीं पे रिजॉल्व भी कर दूँगा। और तला भाई, अगर कोई हमारे चैनल का रेफरेंस दे तो आप उसके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह करेंगे? मेन बात, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा फेवर दूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो है जो जायज़ फेवर है वो मैं इंशाल्लाह जो है ज़रूर दूँगा,
और अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगा कि देना। सही सही शुक्रिया। तो नाज़िर आप लोग स्क्रीनशॉट चैनल के लिए हैं, चैनल के रेफरेंस हैं, तो आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।